The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Eyelid mein swelling. Aankhon ke upar swelling kyun ho sakti hai? Kya kya reason ho sakte hain aankhon ke upar swelling ke? Aur aapko किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाएगा, ऐसी सब बातों के बारे में हम आज बातचीत करें। तो मोस्टली व्हाट हैपन्स, जितने भी आईलिड के ऊपर बम्प आते हैं ना, यानी कि स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, गांठ आती है, छोटे छोटे दाने आते हैं, बड़े दाने यानी थोड़े बड़े दाने आते हैं, दोज आर ऑल स्टाई। स्टाई स्टाई क्या है? स्टाई बेसिकली एक आपके ऑयल ग्लैंड जो होते हैं, जो स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड होता है, उसकी स्वेलिंग है। और ये ऑयल ग्लैंड आपके आईलिड के एज पे है, दीज आर ऑन द एज ऑफ द आईलिड, आईलिड के एज ऊपर या नीचे, उसमें स्किन ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, वो सूज गया है, इसलिए उसमें स्टाई हो गई। स्टाई यानी स्वेलिंग आ गई, बम्प आ गया। तो ये बम्प आपका रेड भी हो सकता है, स्वेलन हो सकता है, इसमें जलन हो सकती है, दुख सकता है, पिंपल जैसा दिख सकता है, हाथ लगाने से दर्द हो सकता है, जैसा कि कई लोग बताते हैं उनका स्टाई है, यानी उनकी आंखों में इस तरह के की सूजन है। कारण उसका है अगेन पिंपल के जैसे आपके ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाना। अगर आपके ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो बिल्कुल पिंपल के जैसे आपको इस तरह की स्टाई हो जाएगी और स्टाई में प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादातर केस में ऐसा हो जाने, ब्लॉक हो जाने पे आपका पिंपल के जैसे ही अंदर बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं और बैक्टीरिया ग्रो होके ब्लॉक होके वहाँ पे मोटा मोटा पस भी फॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अ पिंपल, इट्स मोर लाइक अ पिंपल, राइट? यू जस्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा फंडा है। और ज़्यादातर केस में कुछ दिनों में अपने आप, जैसे पिंपल के एक हफ्ते दो हफ्ते का साइकिल होता है, वैसे ही स्टाई का भी एक हफ्ते दो हफ्ते का साइकिल होता है। पिंपल भी पहले ऊपर ऊपर दिखने से पहले तीन दिन तक अंदर ही अंदर डेवलप होता है, क्योंकि एक दिन बंद हुआ और एकदम से फूक जाएगा ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो, जो अंदर भरना, सो ऑल दीज थिंग्स, उसको टाइम लगता है। तो तीन दिन लगते हैं, पहले ही बंद हुआ है तब जाके वो दिखना शुरू होता है और एक हफ्ते के बाद वो ठीक होगा। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होती तो फिर आपको उसको ड्रेन, यानी खुद कभी कभी वो खुद भी ड्रेन हो जाता है, खुद फट जाता है, निकल जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है। और बहुत बड़ा होते गया तो वो चलेजियन, जो हमने पहले भी बताया आपको, चलेजियन बन सकता है। चलेजियन ये होता है जब ये बहुत ज़्यादा पूरी तरह बंद हो जाता है और बहुत बड़ा होता जाता है, और वो फिर इतना बड़ा हो जाता है कि आपको दिखना बंद हो जाएगा, आँख इतनी सूजती जाएगी कि दिखाई ही नहीं दे रहा है, राइट? दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और अगर आपको इन्फ्लामेशन पूरी की पूरी आईलिड का है, अगर बम्प नहीं है, पूरा का पूरा लिड ही बड़ा हो रहा है, तो वो फिर उसको ब्लेफराइटिस कहते हैं, ब्लेफराइटिस, राइट? सो ब्लेफराइटिस अगर आपको है तो आपको स्टाई ज़्यादा होगा। अगर आपको स्टाई नहीं है तो क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक आईलिड पे स्वेलिंग, स्टाई नहीं होती, और दूसरी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि जेंथीलेस्मास उनको होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है। ये एक हार्मलेस से आईलिड के ऊपर रेड येलोइश पैचेस होते हैं जो थोड़े उठे हुए होते हैं, और ये हार्मलेस होते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में आपको दिख जाएगा यहाँ पर किसी के दोनों तरफ ऐसे पैचेस होते हैं। दोज आर बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, राइट? कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाई कोलेस्ट्रॉल से होगा ही होगा, लेकिन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल से भी हो सकता है। सो दोज आर द साइंस बेसिकली टू रिमेंबर। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज पैपिलोमास या स्किन टैग जिसको आप कहते हो, वो हाँ आई के ऊपर भी आ सकते हैं छोटे पैपिलोमा स्किन टैग, वो पिंक या स्किन कलर के होते हैं बेसिकली, वो भी हार्मलेस होते हैं, उससे भी कोई नुकसान नहीं, और वो भी धीरे धीरे कई बार ग्रो ज़्यादा हो सकते हैं। वो भी अगर ग्रो ज़्यादा हो गए तो आपकी विजन में प्रॉब्लम करेंगे और विजन ब्लर या विजन ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर आपको उसको निकालना पड़ सकता है विजन के लिए, या कॉस्मेटिक रीजन से नहीं अच्छा दिख रहा तो आप उसको निकलवा सकते हैं। तो हर आंख में स्वेलिंग, स्टाई नहीं है, जेंथीलेस्मास, पैपिलोमास, और इवन वो हो सकती है सिस्ट। सिस्ट क्या है? एक सेबेशियस सिस्ट या डर्मोइड सिस्ट या बहुत सारी सिस्ट, तो दूसरी जगह ज़्यादा कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन एक फ्लूइड फिल्ड, पानी भरा सैक हो सकता है आईलिड के ऊपर, वो भी एक सिस्ट होता है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ है, अगर तो आपको ध्यान रखना है
कि आपको अगर रेड कलर की बम्पी स्वेलिंग है तो लाइट सेंसिटिविटी है कि नहीं, आंखों में टीयर सही से आ रहे कि नहीं आ रहे, आंख में टेंडरनेस तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, इसको ज़रूर आप चेकअप कराएं। आई टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, आई टेस्ट में बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नाउ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो सिर्फ नंबर चेक करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं जो आईज के स्पेशलिस्ट होते हैं, MS ऑप्थेल्म, उनके पास आपको जाना है, वो देखते ही बता देंगे ये क्या है और उसका क्या करना है, राइट। और उसका ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा, आई लिड पे अगर आपके बम्प है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको है, जो बता रहे हैं कि क्या करें, सुनिए क्या करना है। नंबर वन, आपको एक वॉर्म क्लॉथ लेना है, गर्म कपड़ा लेना है और गर्म कपड़े को उसके एरिया के ऊपर लगाना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के आपको लगाना है, दिन में ऐसा 4 बार करें। अगर नहीं है वॉर्म क्लॉथ तो एक और तरीका है, ये उंगली ऐसे ऐसे गर्म करिए, ये उंगली थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, इसको लगाइए, जी हाँ इससे भी हो जाता है, ऐसा करिए, लगाइए, लगाते जाइए, वॉर्म से फ़र्क पड़ता है। डू नॉट अटेम्प्ट टू स्क्वीज और ड्रेन द बम्प बाय योरसेल्फ, दबा के या पिन से टोच के या नीडल से टोच के उसको फोड़ने की कोशिश मत करिएगा, जब तक वो खुद से पकेगा नहीं, नहीं फूटेगा, और फूटने लायक होगा तो खुद फूट जाएगा, तो खुद से जब इस तरह से काम ना करना, वरना फालतू के लेने के देने पड़ सकते हैं। उस समय जब आपके आँख में स्वेलिंग है, सूजन है, किसी भी प्रकार का आई मेकअप, किसी भी प्रकार का आई लेंस, किसी भी प्रकार की और कोई चीज़ें वहाँ पर ना लगाएं, रिमेंबर कोई लेंस ना लगाएं। आपके डॉक्टर स्टाई के लिए आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दे सकते हैं। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में क्या होता है, उसमें होता है इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, बिल्कुल वही ऑइंटमेंट जो एक्नी के लिए यूज़ करते हैं वही यहाँ लगाते हैं, बस सर के आपको ध्यान से लगाना है, बहुत सारा नहीं लगाना, आँख के अंदर ना चले जाए, बिल्कुल टिप पे लगाना है और इतना सा लगाना है कि एब्जॉर्ब हो जाए। सो उस पर आपको बहुत सिंपल सा बहुत कम क्रीम लगानी है, इसलिए दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है तो फिर सर्जिकली एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको ड्रेन कर सकता है, आप नहीं करेंगे, कतई भी खुद से नहीं करना है, अपनी आँख प्यारी है तो, राइट, याद रखिएगा। और याद रखिए, कई बार वो खुद से ठीक हो जाते हैं, इतने करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपका केस में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, या कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए अगर आप बचना चाहते हो, किसको हो जाएगा, मेरे को नहीं हो, मैं कैसे बचूं, तो आंखों को ज़्यादा टच मत करिए, आँख को जितना मत जितना नहीं छेड़ेंगे उतना अच्छा होगा। आप एंटीऑक्सीडेंट जैसे फिश ऑयल्स लेते रहिए, आपको अगर टीयर्स कम आ रहे हैं उसका ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बार मुँह मत धोइए, आईज मत धोइए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको मिलेगा हेल्प। तो ये हुई बात सारी आपकी